सो मेरे 179 ऑर्डर सिर्फ एक दिन में लगे, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। ऐसा इवेंचुअली नहीं होता, मतलब 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500 इज नॉर्मल फॉर इन स्कैल्पर, इट्स नॉर्मल। कमेंट अपने चेक किया तो काफी सारे लोग के क्वेश्चन से, डाउट से, कि इतना ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस कैसे। अरे है तभी तो शेयर किया हूँ, जब इतना ज्यादा मैंने पे किया है तभी तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, कि आपको रियलिटी चेक पता चल सके। लाख डेढ़ लाख से कभी काम करता तो उसको भी आप जाके समझा दो कि बाबू स्कैल्पिंग इज नॉट दैट मच ईजी, छोटे मोटे अमाउंट से स्कैल्प कर दो इज नॉर्मल, बट इफ यू आर स्कैल्पिंग विद अ बिग अमाउंट सो यू विल हैव टू पे लॉट ऑफ ब्रोकरेज टैक्सेस एंड चार्जेस। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमारे भाई के वीडियो ऐसे होते हैं, आप लोग देखते हो, आपको मज़ा आता है, आपके डाउट्स आते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपका भाई आपको टाइम टू टाइम जवाब देते रहता है, बताते रहता है, रिस्पॉन्ड करते रहता है और चीज़ें सिखाते रहते हैं। लाइव मार्केट है, प्रैक्टिकल मार्केट में हम जो गलतियाँ करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, जो भी ट्रेड करते हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ताकि आप लोग वो चीज़ों से सीखो, उन चीज़ों को ना करो। मैं बुकिश नॉलेज को हमेशा साइड रखता हूँ, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैं वो चीज़ कर आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ जो अपन लोग डेली, एक नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल ट्रेडर है, ट्रेडर है, जैसे अपन आए हैं, जैसे अपन करते हैं, जैसे अपन एक नॉर्मल बेसिक स्क्रैच से अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किए थे, यानी एंड बिग लॉसेस में गए, वहाँ पर कैसे इंसान पहुँचा, किस तरीके से पहुँचता है, हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट मैं आपको ट्राई करता हूँ शेयर करने के, ताकि आप लोगों को समझो, सीखो, आपको रियलिटी चेक मिल सके। सो फ्यू डेज एगो आई पोस्टेड वीडियो, पीएनएल मैंने शेयर किया था। सो दिस पीएनएल इज नॉट ऑफ द अकाउंट विच आई ट्रेड डेली, मैं डेली ट्रेड करता हूँ आपके साथ, रहता है ये सामने रहता है, उसमें अपडेट्स आपको देते रहता हूँ। सो मैंने कुछ टाइम पहले पीएनएल आपके साथ शेयर किया था, इसमें मैंने एक चीज़ दिखाया था, आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि मेरा जिसमें प्रॉफिट था 56.63 लाख का था, है ना, 5 to 6 मंथ के एक टाइम पीरियड का ये मेरा पीएनएल रहा होगा। सो उसमें जो टैक्सेस चार्जेस थे 64.1 लाख के, नेट में मैं 7,46,7.76 लाख के लॉस में गया था, राइट। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे लोग इसे पूछ रहे थे, कन्फ्यूज थे, हाउ इतना बड़ा, कैसे, कितने चार्जेस, कैसे इतने सारे टैक्सेस एंड चार्जेस, हाउ क्या क्या हो सकता है। सो टैक्सेस एंड चार्जेस की मैंने यहाँ पे आपके सामने लिस्ट खोल दी है, जिसमें आप देख सकते हो कि देयर आर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो 27 लाख रुपए के एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, इंटीग्रेटेड GST 7 लाख का, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है 14 लाख का, एंड स्टाम्प ड्यूटी है, एंड NSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एंड ऑल सेवी टर्नओवर फीस, उसके बाद 2 कैच है 13,77,000 की। सो बेसिकली मेरा जो मोटिव था उस वीडियो में जो आपके साथ शेयर करता था, वो ये था कि भाई इतना ज़्यादा हैवी टैक्सेशन चार्जेस होगा था एक ट्रेडर पर लग रहे हैं, इसके रीज़न की इसकी वजह से एक अगर कोई ट्रेडर प्रॉफिट भी कर रहा है, अपने सेटअप पर कोई भी प्रॉफिट कर रहा है ना, इवेंचुअली किसी तरीके से ट्रेड के, बट उसका सेटअप प्रॉफिटेबल है, उसको सेटअप प्रॉफिट करके दे रहा है। अभी मैं इसके पीछे और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो शायद मैंने उस वीडियो में शेयर नहीं की थी, तो काफ़ी सारे लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई इतने सारे ब्रोकेज, इतना अदर ब्रोकेज कैसे पड़ गया, इतने सारे ट्रेड्स आपने कैसे ले लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ एक ही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि भाई देर आर लॉट ऑफ टैक्सेस एंड चार्जेस इफ यू आर ए ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेड, और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, यू आर ए फ्रिक्वेंट ट्रेडर, रैंडम ट्रेडर, फ्रिक्वेंट ट्रेडर एक तरीके से, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हो मार्केट में, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती है, बहुत ज़्यादा आप डेली बेसिस पर आकर ट्रेड कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका सिस्टम प्रॉफिटेबल भी है एंड यू आर मेकिंग गुड मनी फ्रॉम दैट सिस्टम, बट स्टिल इफ देर आर हाई टैक्सेस एंड चार्जेस यू आर गोइंग टू एंड अप इन लॉसेज, मतलब देर आर हाई चांसेस यू आर गोइंग टू एंड अप इन द लॉसेज। सो दिस पीएनएल इज अपना जो मैं लॉस कवर किया था उस टाइम के बाद, फिर मैं, मेरे पास अच्छा खासा फंड था, सो आई यूज़ टू ट्रेड विद अराउंड 20-30 लाख का कैपिटल, सो आई यूज़ टू स्कैल्प विद दैट। सो बेसिकली काफ़ी लोग इसी एक ही डाउट थे, एक ही क्वेश्चन था इन सभी का क्वेश्चन में, भाई इतने ज़्यादा ब्रोकेज कैसे, अरे ब्रोकेज है तभी तो मैं शेयर कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा ब्रोकेज दिया है यार मैंने, अराउंड 13,77,000 इन ब्रोकेज वो मैंने दिया है। अब बात करते हैं इतने ज़्यादा ट्रेड्स कैसे ले सकते हो। सो बेसिकली आई एम एन स्कैल्पर, आई स्कैल्प डेली, सो मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी हाई जाएगी, ऑलराइट, मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी हाई जाएगी, और मैं ये उन चीज़ों को उनको नहीं समझा सकता, वो लोग नहीं समझ सकते जो एक लोग दो लॉट पर काम करते हैं, द पर्सन हु ट्रेड विद 5, 10, 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख वन CR, ही नोज कि अगर उससे उतने से स्कैल्प कर रहा है, हाउ मच टैक्सेस चार्जेस ही पेज। सो आई थिंक मैंने अराउंड मैंने किसका वीडियो देखा था, आई हैव सीन वीडियो ऑफ घनश्याम सर, वंस ही वॉज इन ऑन स्टेज, राइट, एंड ही वॉज शोइंग हिज वन मंथ पीएनएल, एंड
ही वॉज एक्सप्लेनिंग दैट ही पेड टैक्सेस अराउंड टैक्सेस एंड चार्जेस 15 लाख। वो उनका एक टाइम स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल था कि 1 करोड़ के आसपास कुछ प्रॉफिट, 1.5 करोड़ का 15 लाख टैक्सेस चार्जेस पे कर रहे हैं। हाउ? बिकॉज ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज। अब मैं हूँ निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी और फिर निफ्टी मिड कैप मैं ज़्यादा स्कैल्प करता हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्रीमियम होता है ना, वो आपका 15-20 रुपये, 20 रुपये, 20-25-30 के बीच, 20-25-30-40, 20-25-30-40 के प्रीमियम पर होता है। अगर मेरे को वहाँ पर 5 लाख से भी क्वान्टिटी उठानी है, सो मैं बास्केट बनाता हूँ। मैं किस पर क्या जीरोधा में है, नॉर्मल जीरोधा का है, सो मैं बास्केट बनाता हूँ। सो ऑन एन एवरेज अगर मेरे को 5 लाख से ट्रेड मारना है, तो मैं अगर मेरे को कोई 20 रुपये का ऑर्डर उठाना है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आप कैलकुलेट खुद कर लिए, मेरे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई थिंग्स। सो मेरे को बास्केट बनाना होता है। सर मेरे को जब बास्केट बनाना होता है, तो वहाँ पर अगर अगर मैं आपको आज का ही मैं अपने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, राइट। सो आज के जैसे मेरा जो प्रॉफिट है 4,73,000 का कुछ प्रॉफिट है। अब मैं इसको इसमें मेरा जो कैपिटल यूज़ हुआ, क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट आई, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर ऑर्डर्स पे जाता हूँ, बास्केट पे जाता हूँ। सो मैंने यहाँ पर आई थिंक इसको अभी तो ये जो पुट ऑप्शन है कहाँ पर चल रहा होगा, राइट, ये है, रिसेट कर रहा हूँ। सो मैंने आई थिंक इसको कुछ इतना कुछ क्वांटिटी डाला था, इसमें मेरे 12 ऑर्डर्स लगे हुए हैं और मैंने इसको 20-20 रुपये के भाव से उठाया। तो मैंने इस तरीके से बास्केट उठाया, एक बास्केट में मेरा 1800 क्वान्टिटी डल ली है। तो अगर मेरे को ये सिर्फ 4 लाख है, अगर मेरे को इसको 20 बास्केट करना है, अगर मैं इसको बास्केट पर बास्केट बनाते जाऊँ, मैं इसको 14-15, तो आज मैंने 12 मेरे 12 ऑर्डर्स लगे थे एक बार में। सो ऐसे अगर करके मेरे को अगर 5-10 लाख से इसमें काम करना है, सो अगर मैं इसमें एक बास्केट बनाता हूँ, मेरे 20 ऑर्डर लग रहे हैं, मेरे 7 लाख का माल उठ रहा है और 20 रुपये के भाव में उठा रहा हूँ। 20-25-30 के भाव में उठा रहा है। अगर मैंने इसको सेल किया बाई के, मैंने 20 ऑर्डर लगे, सेल किया मैंने 20 ऑर्डर लगे, तो एक ही ट्रेड में, सिर्फ एक ट्रेड में, एक स्कैल्प में कितने ऑर्डर लग चुके हैं? 40 ऑर्डर। टू अंडरस्टैंड, सो इफ़ यू हैव ए स्कैल्पर, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कहते, कुछ लोग वीडियोज भी बनाए हुए थे, तो मैं देखा था, मैंने कहा मेरे को हंसी आने लगी लिटरली। मैं कहा यार मैं आपको एक तो एक चीज़ शेयर करता हूँ, आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, है ना। जिन लोगों ने ट्रेड नहीं किया, जिन लोगों ने उतना फंड देखा नहीं अपने अकाउंट में ट्रेड करते हैं, वो लोग भी ये चीज़ कहते कैसे। अरे यार जिसके पास छोटा फंड है, छोटे फंड से आप लॉस करें, छोटा लॉस किया, जिसके पास बड़ा फंड है, बड़े फंड से उसको बड़ा लॉस हुआ, उसके टैक्सेस चार्जेस उतने बढ़े जाएंगे। और रही बात स्कैल्पर की, स्कैल्पर का तो एक ट्रेड में मेरे 40 ऑर्डर लग रहे हैं। मेरे को अगर 15 लाख से ऑर्डर मारना है, मैं इसको यहाँ पे स्वाइप एग्जीक्यूट कर दूंगा, मैं इसको स्वाइप करूंगा और मेरा क्या होगा कि यहाँ पे मेरे 40 ऑर्डर बाय में लगेंगे। अगर मुझे 15 लाख का ऑर्डर इसको मारना है, बाय करना है मेरे को 20-20 रुपये के भाव से, तो एक ट्रेड में मेरे कितने ऑर्डर्स लग गए यहाँ पे, सीधा सीधा 40 ऑर्डर लग गए। अब मैं इसको फिर सेल करूंगा, फिर एक और मुझे बास्केट बनाना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा, तो वहाँ पर मेरे कितने ऑर्डर्स लग चुके हैं ऑलमोस्ट, एक ऐसे तो एक ट्रेड में मेरा 80 ऑर्डर लग रहा है, 80 ऑर्डर। सो ब्रोकरेज समझ लो, फिर यहाँ पर बाय सेल वैल्यू, ट्रांजेक्शन कॉस्ट समझ लो, और ये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह हो गया, एसटीटी हो गया, कितना मेरे यहाँ पर लगने वाला। सो फॉर आज की एग्जांपल में दिखाता हूँ, जैसे मेरा आज 4,73,000 का कुछ प्रॉफिट है। ये सही भी है, मतलब अच्छा दिन दिया वीडियो बनाने के लिए, कितना प्रॉफिट है, मैं कितना टैक्स दे रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर, अराउंड 179 लास्ट मेरा जो ऑर्डर देखोगे, 20 रुपये मैंने उठाया, 20 के भाव से उठाया मैनुअली इसको, 70-80 के बीच मैंने सब काट लें। सो मेरे 179 ऑर्डर सिर्फ एक दिन में लगे हुए, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। ऐसा इवेंचुअली नहीं होता, बट 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500 इज नॉर्मल फॉर इन स्कैल्पर, इट्स नॉर्मल। मैं एक ट्रेड अगर मेरे को 20 लाख का कोई स्कैल्प मारा और निफ्टी और फिर निफ्टी मिड कैप जैसे इंडेक्स में अगर स्कैल्प कर रहा हूँ, जहाँ पर प्रीमियम 10-20-30 रुपये चल रहे हैं, वहाँ पे आपका इतना ब्रोकरेज टैक्सेस चार्जेस ऑर्डर्स लगने ही लगने हैं, राइट। 179 ऑर्डर इन अ सिंगल डे, अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट पर लेके जा रहा हूँ, कितने चार्जेस ब्रोकर आपको देख रहे हैं, विच इज़ अराउंड 6,138। अभी इसमें एसटीटी आई थिंक जो 1500 रुपये का लग रहा है, ये कुछ टाइम के बाद से जो एसटीटी डबल हो गया, सो आप ये कह सकते हो अक्टूबर सेप्टेम्बर, अक्टूबर से आई थिंक एप्लीकेबल होगा, तो 3,000 हो जाएगा, 1500 का 3,000 हो जाएगा। सो अभी मान लो 6,000 कुछ ये है, तो 7,000, 7,500 रुपये के आसपास फिर मेरे ब्रोकेज हो जाएंगे, ब्रोकेज चार्जेस टैक्सेस। सो इसमें देखोगे 1600 रुपये का ब्रोकेज तो मैं एक सिंगल डे के अंदर ही दे रहा हूँ, जिसमें मेरे 179 ट्रेड्स हैं, ऑर्डर्स हैं, मतलब ऑर्डर्स, ट्रेड्स तो इसमें 2 या 3 4 होंगे, लेकिन ऑर्डर्स हैं, यानी। सो मैं आपको दिखाना, एक अगर मुझे ट्रेड मारना है, एक अगर मुझे ट्रेड लेना है, तो मुझे बास्केट बना के उसको बाय करना है, सेल करना है, तो मेरा एक ऑर्डर में, एक ट्रेड में 20 ऑर्डर लग रहे हैं, 20 ऑर्डर्स। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, सो आपको लिटरली समझ में आ गया हो कि क्यों इतने ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ी है। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, स्कैल्प करने के बाद अगर आपको
फंड साइज आप नॉर्मली एक ट्रेड करता है बंदा, अगर आप देखोगे नॉर्मली कोई ट्रेड करता है वो 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 1 लाख, 2 लाख से ट्रेड करता है, उसका ये होता है 20-30-40% का टारगेट मेरे को मिल जाए मार्केट के अंदर, मैं एक दिन में एक ट्रेड दो ट्रेड लूंगा फॉर मी, तो दैट्स सो नॉर्मल फॉर हिम। बट वही और उसका 1 लाख से टारगेट क्या होगा, 1 लाख से अगर वो काम करा उसका टारगेट होगा 10-20-25 हज़ार मेरा बन जाए, है ना, तो 20-25-30-40-50% तक भी जा सकता है, क्योंकि वो एक दिन का एक ट्रेड कर रहा है, एक डायरेक्शन को काम चल रहा है, एक तरीके से दिन के इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है और डायरेक्शन पर काम कर रहा है। वहीं एक स्कैल्पर, स्कैल्पर को अगर वही 50 हज़ार 1 लाख रुपये का प्रॉफिट बनाना है, सो यू विल डेफिनेटली यूज अराउंड 8-10 लाख कैपिटल और 5-10 लाख कैपिटल, राइट। सो 5-10 लाख कैपिटल में कोई एक बंदा 50 हज़ार बनाने के लिए या 1 लाख बनाने के लिए 2 लाख का कैपिटल यूज़ कर रहा है, 3 लाख का कैपिटल यूज़ कर रहा है, वहीं एक स्कैल्पर 1 लाख बनाने के लिए 10 लाख का कैपिटल यूज़ कर रहा है। सो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल ट्रेडर एंड अ स्कैल्पर। स्कैल्पर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड होता है, हाई क्वांटिटी ट्रेड होता है, एंड हाई एक तरीके से ना नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो काफ़ी सारे लोग कहते हैं ओवर ट्रेडिंग, देर इज नो ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग हाँ, नॉर्मली अगर मैं एक ट्रेड में एक दिन के अंदर मेरे एक ट्रेड में अगर 40-50, एक ट्रेड के अंदर मेरे 100 ऑर्डर लग रहे हैं, समझो 20-30 रुपये के भाव में, 20 रुपये के भाव पर मैंने 20 लाख 25 लाख से माल उठा लिया, सो एक ट्रेड को बाय सेल करने में 100 ऑर्डर नॉर्मली लग ही जाएंगे। सो मैं वहां पर अगर दो ट्रेड ले रहा हूँ, लेने को तो मैं दो ट्रेड ले, लेकिन ऑर्डर कितने लग रहे हैं, 200 ऑर्डर लग रहे हैं, है ना, और मेरे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी जा रही है उसमें, उसमें मेरा बाय वैल्यू सेल वैल्यू को लगा लो कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी जा रही है, उसमें GST STT की वजह से कितना पे करना पड़ेगा, एंड उसके बाद अगर मैंने वही ट्रेड अगर मैं एक तरीके से स्कैल्पर स्कैल्पर नॉर्मली कितना ट्रेड लेता, आप खुद सोचो, एक स्कैल्पर नॉर्मली अगर आप स्कैल्प करते हो डेली बेसिस पर, आप 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट 10 लॉट से भी स्कैल्प करते हो, आप खुद मेरे को जो क्वेश्चन नीचे आप कमेंट करो कि कितने ट्रेड करते हो आप दिन, इवन 4 से 5 इज मिनिमम, 2 से 3 ट्रेड तो एक नॉर्मल ट्रेडर लेता है जो एक डायरेक्शन पर काम करता है, 2 से 3 ट्रेड, लेकिन एक स्कैल्पर है वो 5, 8, 10 मिनिमम होते हैं, और 2, 4, 5, 10 लॉट से काम करने वाले मैंने ऐसे ट्रेड बंदे देखे, 100 100 ट्रेड लेते हैं एक एक दिन पे, हर एक 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 मिनट की उस पर स्कैल्प करते हैं। सो स्कैल्पर का ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज़ वेरी हाई, स्कैल्पर का STT भी बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, ब्रोकरेज तो जाना ही जाना है, मतलब स्कैल्पर अगर कोई है सो उसके हर एक चार्जेस और ब्रोकरेज और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई जाने वाले। सो इसीलिए मैं उस चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हाई है। सो स्कैल्पर इंडियन मार्केट में ही नहीं है, स्कैल्पर फॉरेक्स मार्केट में भी है, क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत अच्छे से अच्छे स्कैल्पर है, बट स्कैल्पिंग इज रियली टफ इन ऑप्शन बाइंग इफ देर आर इतने ज़्यादा चार्जेस ना, इतने ज़्यादा ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन कॉस्ट चार्जेस आपकी इतनी ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वही चीज़ मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, तो लोगों को यही समझ में नहीं आया कि भाई इतने इतना ब्रोकरेज कैसे, इतने चार्जेस कैसे दे, पीपल स्टार्टेड लाइक कैलकुलेटिंग मेकिंग, अरे यार डू सम गुड थिंग, ट्राई टू एजुकेट, ट्राई टू गिव गुड नॉलेज टू पीपल, एंड आपके पास लोग आएंगे सीखेंगे, है ना, आपका एक अलग एक तरीके से अलग फैन बेस रहेगा, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। ऑलराइट, सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट मेरे को काफ़ी सारे लोग पूछे थे भाई इतना ज़्यादा कैसे, मेरे मैंने उसमें कमेंट अपने चेक किया तो काफ़ी सारे लोग के क्वेश्चन से डाउट से कि इतना ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस कैसे, अरे है तभी तो शेयर किया हूँ, जब इतना ज़्यादा मैंने पे किया है तभी तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ताकि आपको रियलिटी चेक पता चल सके। आप स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करते हो, इट्स इट्स फैसिनेटिंग, बहुत अच्छा लगता है, और वो एक तरीके से मेरा जो लॉसेस कवर अप करने के बाद कुछ टाइम पीरियड का था, जहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैं क्वान्टिटी मतलब स्कैल्प क्वान्टिटी से भी करता था, और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो, फॉर मी यू कैन से दैट दैट मे बी द ओवर ट्रेडिंग, बट स्कैल्पर के लिए ओवर ट्रेडिंग नहीं होता है। अगर मैं 4 से 5 ट्रेड ले रहा हूँ और 5 ट्रेड में 200-250-300 ऑर्डर लग रहे हैं, इज दैट ओवर ट्रेडिंग? नो। अगर मैं यहाँ पे अगर 800 ट्रेड में 1000 ट्रेड ज़्यादा, अगर मेरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेरे फंड साइज के अकॉर्डिंग मैं अगर वहाँ पर 500 से 1000 ट्रेड्स ले रहा हूँ ना, दैट विल बी ओवर ट्रेडिंग फॉर मी। लेकिन अगर मैं 100-150-200 ट्रेड ले रहा हूँ, तो 3 या 4 ट्रेड भी लूँगा तो ईजिली जाने ही जाने। उन लोग को समझ में आया होगा जो लोग इतनी बड़ी क्वांटिटी से निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के अंदर काम करते हैं। मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी में मैं उतना ज़्यादा जाता नहीं हूँ, मैं निफ्टी में मिड कैप और फिर निफ्टी में ज़्यादा काम करता हूँ, और वहाँ पर आप देखो 20-30 रुपये का प्रीमियम का रेंज रहता है, 20-30-40, 20-30-40, स्लाइडली एड एट द मनी और स्लाइडली OTM, तो उन्हीं पर मैं काम करता हूँ, और वहीं पर मेरे को इसीलिए मेरे को इतने ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस टैक्सेशन पे करना पड़ता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। बाकी एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, दैट सिंपल थिंग जो मैं इसमें और मैंशन करना चाह रहा हूँ, फॉर स्कैल्पर इट्स नॉट ओवर ट्रेडिंग, मेरा तो बहुत अच्छा बन जाएगा, मैं 10 जगहों से बना लूंगा, मेरे पास अलॉट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फॉर योर एजुकेशन फॉर योर लर्निंग
मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, सो यू विल डेफिनेटली एंड अप लूजिंग मनी, यू विल डेफिनेटली एंड अप लूजिंग मनी। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग इज नॉट एन ऑप्शन कि आप पैसा बना लोगे, क्योंकि आपके पास ट्रेड कंट्रोल, आपके ट्रेड्स पर कंट्रोल नहीं है, आपके पास कोई अपना प्रॉपर सेटअप नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, इट मीन्स आप पैसा कैसे बनाओगे फिर। सो ओवर ट्रेडिंग इज़ लाइक नहीं करनी चाहिए, बट काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इसमें तो ओवर ट्रेडिंग हुई है, आपने इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं यार, स्कैल्पर है भाई, कहाँ से ओवर ट्रेडिंग हुई है। स्कैल्पर का बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बहुत ज़्यादा ब्रोकेज, बहुत ज़्यादा STT, बहुत ज़्यादा GST, बहुत ज़्यादा और अदर चार्जेस जाते ही जाते हैं। सो मैंने आपको बताया कि हाँ किस तरीके से अपने ऑर्डर्स इतने ज़्यादा लगते हैं, और मैं अगर 4 ट्रेड 5 ट्रेड भी अगर डेली कर लूँ ना, सिर्फ इवन में उससे अभी तो अगर आप डेली बेसिस में उसको देखो, मैं 2 ट्रेड रहते हैं, 1 ट्रेड रहता है, ठीक है, उस पर भी मुझे 2-2.5 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार के डेली के बेसिस पर 2.5 हज़ार 3 हज़ार मिनिमम चार्जेस देने ही देने पड़ते हैं, ठीक है। कोई एक्सेप्शनल केस है वह जहाँ पर 1,000-1,500 में मेरा काम हो जाता है, अदरवाइज 2.5-3 हज़ार तो ऑन अ नॉर्मल बेसिस मेरे को प्रॉपर डेली के बेसिस पर चार्ज देने पड़ जाएंगे। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड। बाकी ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करने, या करोगे तो वही नॉर्मल सी बात है, मेरे लिए जो चीज़ नॉर्मल ट्रेडिंग है वो वही चीज़ अगर आप करोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, क्योंकि आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो, मैं एक स्कैल्पर हूँ, आप हो सकता है कोई छोटे अमाउंट से काम करो, मैं कुछ बड़े अमाउंट से काम कर रहा हूँ, है नहीं। सो और मेरे जो प्रीमियम साइज है जिस पर मैं काम करता हूँ वो डिफरेंट हो, है नहीं, उस पर मेरे को ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा लगाने पड़ रहे हो, सो मेरे लिए दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन वट आई वॉज ट्राइंग टू टेल कि टैक्सेशन आर वेरी हाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये टैक्सेशन को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ये टैक्सेशन को लिमिट नहीं किया जाएगा, अगर कम नहीं किया जाएगा तो पीपल विल ट्राई टू शिफ्ट इंडियन मार्केट से कोई दूसरे मार्केट में जाएंगे, तीसरे मार्केट में जाएंगे, दे विल मीन्स हैवी टैक्सेशन, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू प्रमोट यू नो इलीगल थिंग्स लाइक डब्बा ट्रेडिंग, और आपका एक तरीके से जो ब्लैक मार्केट, ये सब चीज़ें किस लिए होता है, ताकि अगर लोग टैक्स से बचना चाहते हैं, अगर लोगों को टैक्स से बचना होगा, टैक्स नहीं देना होगा, नॉर्मल सी बात है, अगर मेरे को हैवी टैक्स पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन पड़ रहा है, तो मैं कैश में ज़्यादा डील करने लग जाऊंगा, मैं आई विल इवेंचुअली ट्राई टू मीन्स बचे कैसे बचे, मैं कोई लूप होल निकालने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद दिस वीडियो, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा उस वीडियो से भी, और इस वीडियो से भी आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्यों इतने हैवी टैक्सेस चार्जेस ब्रोकरेज एक स्कैल्पर को पे करने पड़ते हैं, क्योंकि एक स्कैल्पर है, और स्कैल्पर है तो आपको पता ही है कि उसका ट्रेडिंग स्टाइल कैसे होगा, तो कैसे ट्रेड करता हो। सो ऑल दोज स्कैल्पर जो स्कैल्पिंग करते हैं, आई होप वो समझ गए होंगे, उनको समझ में आया होगा, और अगर उन्हें समझ में आया तो जो नॉर्मल ट्रेड करता है, नॉर्मली 1-2 ट्रेड वाले काम करते हैं, जो 1-2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 1 लाख, 1.5 लाख से कभी काम करता है, तो उसको भी आप जाके समझा दो कि बाबू स्कैल्पिंग इज नॉट दैट मच ईजी, छोटे मोटे अमाउंट से स्कैल्प करो इज नॉर्मल, बट इफ़ यू आर स्कैल्पिंग विद अ बिग अमाउंट, सो यू विल हैव टू पे लॉट ऑफ ब्रोकेज टैक्सेस एंड चार्जेस। सो आई होप यू इंजॉयड द वीडियो। बाकी जो लोग भी अपना जो 1 सेप्टेम्बर से 30 सेप्टेम्बर तक लाइव एक अपना प्रो स्कैल्पिंग मास्टर क्लास लाइव रहने वाला है, लाइव बैच सभी लोगों के साथ अपन लाइव टू लाइव बैठ के सीखेंगे, क्योंकि वर्कशॉप का काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था। अगर आपको देखना, आपने ज्वाइन नहीं किया, आप अभी भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगे, आपको एक तरीके से वो एक तरीके से आपके लिए टेस्टिमोनियल भी हो जाएगा, आप जाके देखिए। अगर आपको ज्वाइन करना अपना लाइव सेशन लाइव बैच सेप्टेम्बर का, तो उसमें मैंने अराउंड फ्लैट 40% का कूपन कोड भी दिया हुआ है, क्योंकि आपको वर्कशॉप के अंदर ही मिलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाबा सी यू, जय हिंद।